जय हिंद। आज मैं आप लोगों को मल्टीमीटर के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हो, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो, या फिर एसी वोल्टेज, डीसी करंट, या फिर कंटिन्यूटी, और ये स्क्वायर वेव क्या होता है। तो मैं आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में एकदम रेंज के साथ समझाऊंगा कि किस पॉइंट में आपको कितने रेंज का इनपुट देना चाहिए। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं डीसी वोल्टेज के बारे में। डीसी वोल्टेज चेक करने का जो रेंज होता है ना, वो इस तरफ है। यहाँ पे लेफ्ट तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे वी डीसी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि डीसी डीसी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो अगर आपको 0 से लेके 200 मिली वोल्ट तक चेक करना है, तो आपको 200 एम्प पे रखना पड़ेगा सिलेक्टर को। ये जो होता है ना, ये सिलेक्टर होता है और ये इसका पॉइंट होता है। अगर आपको 200 मिली वोल्ट से लेके 2 वोल्ट तक चेक करना है, तो आपको इस सिलेक्टर को 2000 एम्प पे रखना पड़ेगा। अगर आपको 2 से लेके 20 वोल्ट तक चेक करना है, तो आपको सिलेक्टर को 20 पे रखना पड़ेगा। अगर आपको 20 से लेके 200 वोल्ट चेक करना है, तो आपको सिलेक्टर को 200 पे रखना पड़ेगा। और अगर आपको 200 से लेके 1000 वोल्ट तक चेक करना है, तो आपको सिलेक्टर को इस रेड वाले 1000 पे रखना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि आपको इसमें 1000 वोल्ट से ज्यादा चेक नहीं करना है, मना मल्टीमीटर को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा खराब होने में। और दोस्तों, ये जो नीचे आपको दो दिख रहा है ना, रेड और ब्लैक कलर का, इसे प्रोब कहते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का प्रोब है ना, ये कॉमन पे लगेगा, और ये जो रेड कलर का प्रोब है, ये इस बीच वाले पॉइंट पे लगेगा, मतलब सेकंड नंबर पॉइंट पे, जहाँ पे वी ओम और मिली एम्पियर लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये करंट के लिए है, जो कि जब आप 10 एम्पीयर का करंट चेक करते हो, तो तभी इसका जरूरत पड़ता है, वरना आप इन दोनों से ही काम हो जाता है। अब बात करते हैं एसी वोल्टेज की। एसी वोल्टेज का जो सेक्शन होता है ना, वो ये वाला होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एसी का साइन दिया हुआ है। एसी का साइन ना हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो अगर आपको 0 से लेके 200 वोल्ट तक चेक करना है, तो आपको 200 पे रखना पड़ेगा। और अगर आपको 200 से लेके 750 वोल्ट तक चेक करना है, तो इसे आपको 750 में सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि आप इसमें 750 वोल्टेज चेक ना करें, इससे कम ही करें, क्योंकि ये मल्टीमीटर खराब हो जाता है। मैंने खुद 750 वोल्ट से ज़्यादा चेक करने की कोशिश की, तो मल्टीमीटर मतलब 1 सेकंड में खराब हो गया। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसके नीचे ही रेंज रखे, इसके ऊपर ना ले जाए। अभी बात करते हैं डीसी करंट की। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं ना, ये वाला सेक्शन है, ये है डीसी करंट का सेक्शन, और ये नीचे वाला भी डीसी करंट का ही सेक्शन है, तो ये मैं बताऊंगा आगे। तो डीसी करंट का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे डीसी का साइन बना हुआ है। आप एक चीज ध्यान रखना कि इसमें आप एसी करंट चेक मत करना, सिर्फ डीसी के लिए है ये, और ये ए मतलब एम्पियर। तो अगर आपको 0 से लेके 2 मिली एम्पियर तक चेक करना है, तो आपको 2000 U पे रखना पड़ेगा, मतलब कि 2000 ये माइक्रो है, इसका मतलब होता है माइक्रो, 2000 माइक्रो एम्पियर मतलब 2 मिली एम्पियर। और अगर आपको 2 से लेके 20 मिली एम्पियर तक चेक करना है, तो आपको 20 एम्पियर रखना है। अगर आपको 20 से लेके 200 मिली एम्पियर तक चेक करना है, तो आपको 200 एम्पियर रखना है। और अगर आपको 200 मिली एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक चेक करना है, तभी आपको इसको 10A में रखना है। और जब आप इसको 10A में चेक करेंगे ना, तो आपको ये जो रेड वाला प्रोब है, ये ऊपर में लगाना पड़ेगा, जो सबसे ऊपर वाला पिन है ना, जिसमें 10 एम्पियर लिखा हुआ है, तो उसमें लगाना पड़ेगा। अगर आप नीचे बीच वाले से चेक करोगे ना, तो ये खराब हो जाएगा मल्टीमीटर। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप ये 10 एम्पियर चेक करो, तो हमेशा प्रोब जो है रेड कलर का वो ऊपर रहे, एकदम ऊपर में, और ब्लैक वाला तो सेम ही कॉमन में रहेगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का जो सेक्शन है ना, वो ये वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन कलर का दिया हुआ है, ये है रेजिस्टेंस का सेक्शन। अगर आपको 0 से लेके 200 ओम तक चेक करना है, तो आपको 20 पे रखना है। अगर आपको 200 से लेके 2 किलो ओम तक चेक करना है, तो इसको आपको 2000 पे रखना है। या फिर 200 ओम से लेके 2 किलो ओम तक अगर चेक करना है, तो 2000 पे रखना है। 2 से लेके 20 किलो ओम तक चेक करना है, तो 20K पे रखना है। 20K से लेके 200 किलो ओम तक अगर चेक करना है, तो आपको 200K में रखना है। 200K से लेके 2 मेगा ओम तक अगर आपको चेक करना है, तो 2000K पे रखना है। 1000K आपका हो जाता है 1 मेगा ओम, मतलब अगर 1000 किलो ओम रहेगा ना, तो वो हो जाएगा वो 1 मेगा ओम। तो यहाँ पे 2000K लिया हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 2 मेगा ओम का है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेके 2 मेगा ओम तक ही चेक कर सकते हो, उसके ऊपर आप चेक नहीं कर सकते। और इसमें जो आपका प्रोब रहेगा ना, वो सेकंड नंबर पर रहेगा और थर्ड नंबर पर रहेगा। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी ना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वाईफाई का सिंबल है और एक डायोड का सिंबल है, इसे कहते हैं कंटिन्यूटी।
इस दिन हम लोग शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर सर्किट है उसमें कोई शॉर्ट है तो इससे हम चेक कर सकते हैं। इस दिन एक बीप की आवाज आती है जब इसमें कोई शॉर्ट होता है। इस दिन हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, मान लीजिए कोई सर्किट है तो उसमें अगर कोई चीज छुटा हुआ है, जब कोई तार लूज हो गया, कनेक्शन टूट गया, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कंटिन्यूटी से। इसमें सभी में एक बदर बसता है। इस दिन हम डायोड भी चेक कर सकते हैं, अगर डायोड एक तरफ से बीप की आवाज देगा और दूसरी तरफ से बीप की आवाज नहीं देगा तो इसका मतलब कि वो डायोड सही है। अगर डायोड दोनों तरफ से बीप की आवाज दे इसका मतलब कि वो डायोड खराब है। इस दिन हम मॉस्फेट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मॉस्फेट ना काफी कम केसेस में चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इससे मॉस्फेट चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर के लिए ये जो आप देख सकते हैं नीचे ये ब्लू वाला जो सेक्शन है जहाँ पे एनपीएन और पीएनपी लिखा हुआ है, तो ये ना ट्रांजिस्टर का सेक्शन है। और दूसरा जो सिलेक्टर पिन का जो पिन है ना वो आपको यहाँ पे एचएफई दिख रहा होगा, तो ये जो एचएफई है ना जब भी आपको ट्रांजिस्टर चेक करना है तो आपको इस सिलेक्टर पिन को इस एचएफई में कनेक्ट करना है, तभी आपको ट्रांजिस्टर चेक कर पाओ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका एमिटर बेस कलेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ई बी सी और ई लिखा हुआ है। ई मतलब एमिटर, बी मतलब बेस, सी मतलब कलेक्टर, और ये ई मतलब एमिटर ही है, बस आप इसको घुमा के भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर के जो तीन पिन होते हैं ना इनको कहीं भी डाल देना है, मतलब एमिटर बेस कलेक्टर देख के आपको भी डाल देना है, और इस सिलेक्टर पिन को आपको एचएफई में लेके आना है। तो यहाँ पे ना कुछ वैल्यू दिखाएगा, जैसे कि नॉर्मली वैल्यू दिखाता है आपका 500 के करीब, लेकिन हर ट्रांजिस्टर का अलग अलग वैल्यू होता है, तो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हो रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर ठीक है। एक्चुअली जो एचएफई है ना उसे हम बीटा कहते हैं, तो ट्रांजिस्टर का एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे हम बीटा कहते हैं, तो इससे वो देखते हैं जिस ट्रांजिस्टर का बीटा कैसा है तो उसे हम देखते हैं। अब बात करते हैं इस आखिरी स्क्वायर वेव सिग्नल की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर वेव पैटर्न बना हुआ है, तो ये जो स्क्वायर वेव है ना ये बेसिकली एक 50 हर्ट्ज का स्क्वायर वेव सिग्नल भेजता है, जिससे कि आप मॉस्फेट वगैरह चेक कर सकते हैं, या फिर कोई जैसे इन्वर्टर है तो उसमें मॉस्फेट में आपको ड्राइव देनी है तो इससे हम चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली मतलब ज्यादा काम तो नहीं आता, लेकिन फिर भी इसमें दिया गया एक 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला स्क्वायर वेव। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया कि मल्टीमीटर का कौन सा पिन में कितनी रेंज होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो पर।